अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। अनुराधा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंतरा की जिंदगी में कभी भी अंधेरा हो तो रोशनी कर देना। पापा पापा, मुझे आप लेने नहीं आए। अभी बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा ने मुझसे कहा है मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ। अंतरा को मैं अनाथ आश्रम ले जा रहा था। अपने किए की सजा इस बच्ची को क्यों दे रहे हो? तुम चाहो तो ये यहाँ रुक सकती है। विद्या वापस तो आ गई है, पर शायद अब विद्या विद्या नहीं। जिस आदमी ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, तुम उसी के घर के बर्तन मांगना चाहती हो? आप पहले ऐसे बाप होंगे जो अपने अहंकार की खातिर अपनी बेटी का घर तोड़ने पर लगे हुए हैं? क्या देख रही हो तुम? देखा, मैंने कहा था ना जरूर विद्या ही होगी। सुबह बड़ी गाड़ी देखी, मैं तो तभी समझ गई थी। इतने दिनों से मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि तुम पे क्या बीत रही होगी। तुम ठीक तो हो ना विद्या? ठीक हूँ। अरे, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि आदित्य भाई साहब ऐसा कर सकते हैं, है ना? सचमुच बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो ऐसे दिखते तो नहीं है। तुम्हें कभी पता भी नहीं चला इन सब के बारे में? कमाल है। अभिषेक नहीं आया? अंदर है, खेल रहा। अभिषेक, ये क्या कहीं जा रही है? ये चली जाएगी तो तुम्हारी बला टल जाएगी। अरे, तभी तो विद्या आई है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अंतरा हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा विद्या, अब हम चलते हैं। वो घर में बहुत सारा काम पड़ा है ना, और हाँ, कोई जरूरत हो तो बोल देना। हाँ, हम तो तुम्हारे अपने हैं ही। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले में दखल अंदाजी करने की? आप जो चाहे कह ले मुझे, लेकिन एक माँ का फर्ज है कि जब कभी उसके बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाए। आखिर कब तक अपना घर छोड़कर यहां बैठे रहती? और क्या आप एक पिता होकर अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं, वो वहां कभी खुश नहीं रह पाएगी। अभिषेक,
कैसे हो बेटा? बढ़िया। मम्मी का है, मम्मी को फोन देना। मम्मी पापा का फोन। कह दो मैं काम कर रही हूँ। पापा मम्मी काम कर रही है। अच्छा, आपने खाना खाया बेटा? हाँ। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। पापा जल्दी आना। मम्मी को फोन देना। मम्मी पापा का फोन। नहीं, मैंने ऐसे ही लंच खा लिया। हाँ, घर में सब्जी है कि मैं लेकर आऊं? नहीं, घर बहुत गंदा होगा ना? नहीं। सबने खाना खाया? अंतरा ठीक है आदित्य। जिस दिन मन भर जाएगा वो आखिरी दिन होगा। मेरे पास दुनिया की वो सारी खुशियां जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा हुआ हमारे पास कार नहीं है। क्यों? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बैठती? वो तो तुम अब भी नहीं बैठे। क्यों? क्या हुआ? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। ये सब शादी से पहले हो या शादी के? इंतजार नहीं होता हमसे, आ जाए घड़ी। बस घड़ी भर में बजा दे तू 5:30। वाह 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 वाह। प्लीज समीर चढ़ा। क्या हुआ? मुख्य उतरो तेरा। कुछ नहीं। क्या सोच रहा है आदित्य? कुछ नहीं, बस अंतरा के बारे में सोच रहा था। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में सोच ज्यादा गहरी हो जाए ना तो अक्सर फैसले कमजोर पड़ जाते हैं।
तो एक काम क्यों नहीं करता, अंतरा को किसी स्कूल में एडमिट करवा दे। यार, उसका बाप होकर भी मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि सोचने का काम अक्सर मैं ज्यादा करता हूं। जीनियस है तू। थैंक यू। चल मस्का मत मार, बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़े। चल, मेरे पास चूहे मारने की दवाई दू क्या? चला जा। माय फेवरेट फेस्टिवल इज होली। होली 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 फेस्टिवल ऑफ कलर्स ऑफ कलर्स ऑफ कलर्स ऑफ कलर्स। तुम मेरी लाइन क्यों रिपीट कर रही हो? रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिपीट। पापा आपके लिए एरोप्लेन लाए। एरोप्लेन? वो मेरे क्लास में है ना वेदांत, वो बोलता है कि उसके पापा पायलट है। अच्छा, वेरी गुड। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए। अभिषेक कहाँ जा रहे हो? बिल्लू के पास। चाय पियोगी? कदम 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 कदम
अभिषेक मैं तुझे घुमा लाता हूँ। अरे आना यार, मेरा मूड आउटिंग को है। मेरा मन नहीं है। तुम सवेरे ही आ गए थे ना? अब अपने फ्रेंड से मिलने की फुर्सत मिली है ना? नानी के यहाँ रहते रहते तेरा भाव बढ़ गया है। नहीं बिल्लू, मुझे तेरी भी याद आती थी। हाँ कल तो आता ना तो बहुत मजा हुई थी। कल चीकू का बर्थडे था, क्या मजा आया। अरे एक बात और सुन, मिसेस मुखर्जी आंटी है ना, ऐसे वाली, उनकी बिल्ली ने शर्मा जी के कुत्ते की दुम काट ली। अब वो कुत्ता बिना दुम का है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब वो दुम कैसे लाए। चाय। डेढ़ चम्मच चीनी ठीक है ना? धोबी के 300 रुपए बाकी थे, मैंने दे दिए। ठीक किया ना? हाँ। राजमा बनाने? समीर को बताया मैंने, बहुत खुश हो गया। आज कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा? वो एक दिन मैंने सोचा कि मैं दाल चावल बनाऊं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? दूसरे कमरे में। हम एक छत के नीचे जरूर रहेंगे लेकिन हमारे दायरे अलग होंगे। पर क्यों? आज से इस कमरे में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहेंगे और उस कमरे में तुम और तुम्हारी बेटी। लेकिन विद्या, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी।